Winter Detox Juices for Weight Loss. हेलो एवरी वन, यू आर वॉचिंग फूड फिटनेस एंड फन एंड दिस इज डायटिशियन मंजू मलिक. सो हमारी जो बॉडी होती है उसका एक नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस होता है. ये जूसेस उस प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं, एनहेंस करते हैं. इट इज नॉट कि ये कोई क्विक फिक्स है फॉर वेट लॉस, बट दे विल हेल्प यू इन योर जर्नी. आपको फिर भी हेल्दी खाना होगा, हेल्दी डाइट लेनी होगी और वर्कआउट को मिस नहीं करना होगा. सो पहला जूस है अल्टीमेट ग्रीन डिटॉक्स जूस. एक छोटा पीयर लिया है हमने, एक क्यूकम्बर यानी खीरा, ग्रीन एंड हर्ब्स. इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे कि मोरिंगा, स्पिरुलिना. इट्स अ मिक्स ऑफ मेनी ग्रीन्स एंड हर्ब्स. हमने लिया है 2 sprigs ऑफ मिंट एंड बेजिल यानी तुलसी के कुछ पत्ते. इसे हम पानी के साथ ग्राइंड करेंगे. आप चाहें तो इस रेसिपी में कोकोनट वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सो प्लेन वाटर या कोकोनट वाटर दोनों बेस्ट है. तो ये हमारा जूस जो है वो बनकर तैयार हो गया है. सो ग्रीन जूसेस जो होते हैं बेसिकली दे आर पैक्ड विद न्यूट्रिएंट्स. उनमें क्लोरोफिल होता है. कोई भी ग्रीन कलर की जो चीज़ होती है उसके अंदर होता है क्लोरोफिल. साथ ही वेट लॉस में हेल्प करते हैं, मेंटल फोकस और क्लैरिटी आपको देते हैं, एंटी एजिंग होते हैं, आपकी इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म इससे बूस्ट होता है, आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, साथ ही एनर्जी प्रोवाइड करेगा. ग्रीन जो कलर होता है फूड में वो बेस्ट होता है. इट इज़ पैक्ड विद न्यूट्रिएंट्स, इट इज़ पैक्ड विद एनर्जी. नेक्स्ट जो हमारा जूस है डिटॉक्स जूस, दैट इज़ बीटरूट डिटॉक्स जूस. इसके लिए हमने लिया है एक छोटा सेब, एक मीडियम साइज बीटरूट, थोड़ा सा जिंजर, 4 से 5 बेजिल लीव्स और थोड़ा सा सिनेमन यानी दालचीनी. सभी चीज़ों को हम अपने ब्लेंडर में ऐड कर देंगे. तो हम इस मिक्सचर को ब्लेंड करेंगे थोड़े पानी के साथ और देखिए कितना ब्राइट ब्यूटीफुल रेड कलर निकल कर आया है इसका. इसे हमें स्ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं होती है. इससे इसका फाइबर लॉस हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाएंगे और इतने भी डिफ़िकल्ट नहीं है इसे ड्रिंक करना. आप चाहें तो आप इन रेसिपीज़ में थोड़ा सा हनी भी ऐड कर सकते हैं. तो ये जूस आपके लिवर को डिटॉक्सिफाई करेगा, एनर्जी को बूस्ट करेगा, ब्लड शुगर को लोअर डाउन करेगा, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, एंटी एजिंग है, स्किन के लिए अच्छा है और वेट लॉस में भी हेल्प करेगा, साथ ही ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में भी हेल्प करेगा. नेक्स्ट जो हमारी रेसिपी है दैट इज़ पिंक ब्रेन और स्टमक को डिटॉक्सिफाई करने के लिए जूस है. हमने लिया है 1/2 cup अनार का दाना, 1/2 cup ऑरेंज, पिंच ऑफ सिनेमन और थोड़ा सा जिंजर. ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्दी हैं और ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ कर रही हूँ विंटर्स में अवेलेबल होते हैं. विंटर में आई सजेस्ट कि आप इन जूस का कंजप्शन, आप इन फ्रूट्स को भी खा सकते हैं, लेकिन जो हर्ब्स एंड स्पाइसेस हम इसमें ऐड कर रहे हैं वो इनकी पोटेंसी को बढ़ाएगा, इनके न्यूट्रिशन लेवल को इंक्रीज करेगा. और जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, डू नॉट स्ट्रेन दीज जूसेस. जब आप स्ट्रेन करते हैं तब उनके न्यूट्रिएंट्स लॉस होते हैं, उसका फाइबर नहीं रहेगा. सो ड्रिंक इट एज इट इज. और अगर आपको टेस्ट एनहांस करना है, यू कैन एनी टाइम ऐड सम हनी टू इट. लेकिन जो अनार होता है वो नेचुरली काफ़ी मीठा होता है, तो उसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं. इस जूस के बेनिफिट्स की बात करूँ तो ये आपके स्टमक की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए, कैंसर से प्रिवेंट करता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, कोलेस्ट्रॉल को लोअर डाउन करने में हेल्प करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को एनहांस करेगा. नेक्स्ट इज ऑरेंज लिवर डिटॉक्सिफिकेशन जूस. एक छोटी गाजर ली है मैंने. आप इसमें रेड गाजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. और ये है थोड़े से स्पाइसेस एप्पल के साथ. मैंने यहाँ पर एप्पल के साथ सिनेमन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है. थोड़ी सी पिंच ऑफ टर्मरिक यानी हल्दी और पिंच ऑफ ब्लैक पेपर. नाउ ब्लैक पेपर जो होता है उसको जब हम टर्मरिक से कंबाइन करते हैं तो जो हल्दी का हमारी बॉडी में अब्जॉर्प्शन है और उसके न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन है वो 2000% तक बढ़ जाता है. यानी उसकी जो बेनिफिट्स हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं. तो इधर यू कैन कंबाइन इट विद ब्लैक पेपर और सिनेमन जो आपके पास अवेलेबल हो. ये हमारा जूस बनकर तैयार हो गया है. गाजर आंखों के लिए बहुत अच्छी होती है, हेल्प करेगा ये आपके लिवर और आपकी किडनी को डिटॉक्स करने में.
कैंसर से प्रिवेंट करता है, कैंसर सेल से, आपके लंग्स को स्ट्रेंथन करेगा, इम्यूनिटी बूस्ट करेगा, मेंस्ट्रुअल पेन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, इट प्रमोट्स वेट लॉस एंड प्रिवेंट्स ब्लड प्रेशर। लेकिन इनमें से कोई भी ड्रिंक जो है वो क्विक फिक्स नहीं है फॉर वेट लॉस के लिए। आपको तब भी एक्सरसाइज करनी होगी और तब भी आपको हेल्दी खाना होगा द रेस्ट ऑफ द डे। लास्ट हमारी रेसिपी है आंवला एंड एलोवेरा का जूस। ये बहुत ही एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है। 3 से 4 छोटे मैंने आंवला लिया है और 1 टेबलस्पून के आसपास ये है एलोवेरा जूस, प्योर एलोवेरा जूस। 1 चम्मच रोस्ट किया हुआ जीरा पाउडर और थोड़ा सा नमक टेस्ट के लिए। और मैंने पिंक सॉल्ट लिया है। यहाँ पर कभी भी वाइट सॉल्ट को डायरेक्ट कंजप्शन के लिए यूज़ ना करें, इसे हम अच्छी तरह ब्लेंड कर देंगे। आंवला जो होता है वो आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास एलोवेरा का पल्प है आप उसे यूज़ कर सकते हैं, बट डेली उसे स्क्रेप करके यूज़ करना मुझे थोड़ा प्रॉब्लमैटिक लगता है। तो जो भी मुझे एलोवेरा का जूस जिसमें मैक्सिमम जो प्योरिटी हो, जो सारे जो मापदंड हैं वो मिले, मैं वो लेकर आती हूँ। सो दिस इज़ आंवला एंड एलोवेरा जूस। आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, आपके लिवर को डिटॉक्सिफाई करेगा, कंट्रोल करेगा शुगर लेवल को, आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा। ये सारे जो जूसेस हैं वो आपके इन बॉडी के नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसे सपोर्ट करेगा। और डिटॉक्सिफिकेशन वेट लॉस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ में टॉक्सिन है आज देखा जाए तो, उन्हें अपनी बॉडी से रिमूव करेंगे तो हमारी बॉडी वैसे भी हल्की फील करेगी। सो आई होप यू लाइक दिस रेसिपीज, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। साथ ही मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, दैट इज फूड फिटनेस एंड फन। सो स्टे विद मी। अगर आप ये कोई भी रेसिपी ट्राई करते हैं तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर शेयर करके टैग कर सकते हैं। आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें उसका अपडेट आपके पास फटाफट पहुंच जाए। स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड आई विल बी बैक वेरी सून। बाय बाय।